नमस्कार, रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से नया टॉपिक में लेकर आया हूँ, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसा कि आपके मन में हमेशा संशय बनता रहता है कि जब अपनी गाड़ी पुरानी हो जाती है, यानी कि अब सड़क पे चलने योग्य नहीं है, ठीक है ना, अपन नई गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है ना, तो अब उस पुरानी गाड़ी का क्या करें, यानी कि उस पुरानी गाड़ी को अगर किसी कबाड़ी को बेचें तो किस प्रकार से बेचें, ठीक ना, उस पहले उसके आरसी कैंसिल करा के बेचें या नहीं बेचें, तो उस बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि अगर अपनी गाड़ी अब चलने योग्य नहीं है सड़क के ऊपर, तो उस गाड़ी का निस्तारण कैसे किया जाए, यानी उसकी आरसी कैंसिल कैसे किया जाए और कैसे उसको आगे बेचा जाए, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे कि आरसी कैंसिलेशन के बारे में, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। मैं कैलाश शर्मा, मोटर इंस्पेक्टर। अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इनसे संबंधित कोई भी जो न्यू वीडियो अपडेट्स होगा तुरंत आपको मिल सके। परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ यू, यानी कि अगर मेरा जैसे व्हीकल है, ठीक है ना, व्हीकल परमानेंटली उपयोग में नहीं हो रहा, यानी पूर्णतया व्हीकल खराब हो गया है, ठीक है ना, वो एक अब सड़क पे चलने योग्य नहीं है, तो उस केस में उस जो व्हीकल का निस्तारण है दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, सबमिट टू रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी पे, यानी कि जो व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज है उन फैसिलिटी पे अपने व्हीकल को क्या होता है, अपन जमा करा देते हैं, ठीक है ना, उसमें आरसी कैंसिल वगैरह नहीं करानी है, केवल व्हीकल को वहां पे आपको स्क्रैप फैसिलिटी है, सेंटर है, वहां पे आप अपने व्हीकल को जमा करा दे। जमा कराने के बाद वहां पे आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपोजिशन दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट डिपोजिशन ले ले, और उस केस के अंदर जब आप कोई नया व्हीकल खरीदेंगे तो उसमें उस आपको टैक्स के अंदर कुछ रिबेट भी दी जाती है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी पे कैसे व्हीकल को सबमिट किया जाए और क्या क्या उसके अपन को एडवांटेज, यानी कि टैक्स में क्या क्या रिबेट वगैरह मिलती है। सेकंड है, कैंसल आरसी एंड सेल टू ए स्क्रैप डीलर कबाड़ी, यानी कि मैंने व्हीकल की आरसी कैंसिल करा दी है, कैंसिल कराने के बाद उस व्हीकल को मैं किसी जो लोकल स्क्रैप डीलर होता है, जिसे अपन कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी को व्हीकल वो बेच देते हैं। तो आज अपन इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आरसी कैंसिल कैसे कर रहे हैं अपन व्हीकल की। प्रोविजंस, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 55 के अंदर आरसी कैंसिल के बारे में बता रखा है, यानी कि जो व्हीकल के आरसी कैंसिल है, आरसी का जो निरस्त है, वो किस किन परिस्थितियों के अंदर व्हीकल की आरसी कैंसिल या निरस्त की जा सकती है। जैसे सबसे पहला, इफ ए मोटर व्हीकल has been destroyed oblique permanently incapable of use, यानी कि मेरा व्हीकल पूर्णतः भंगार हो गया है और सड़क पे चलने योग्य नहीं है, तो उस केस में मैं अपने व्हीकल की आरसी कैंसिल करा सकता हूं। सेकंड, यूज ऑफ व्हीकल इन ए पब्लिक प्लेस इज डेंजर फॉर पब्लिक, यानी कि अगर मेरा व्हीकल ऐसा है कि जो अगर उस व्हीकल को मैं सड़क पे चलाता हूं, तो उस पे व्हीकल को सड़क के चलाने से किसी दूसरे जो पब्लिक है, दूसरे जो रोड यूजर्स है, उनको अगर मेरे व्हीकल से कोई खतरा होता है, तो उस केस में भी व्हीकल की आरसी कैंसिल की जा सकती है। थर्ड है, मोटर व्हीकल हैज बीन परमानेंटली रिमूव्ड फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो मेरा व्हीकल है, परमानेंटली मैं अब्रॉड जा रहा हूं व्हीकल को लेके, तो उस केस में भी व्हीकल की आरसी निरस्त की जा सकती है। चौथा है, रजिस्ट्रेशन विद फॉल्स डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर मैंने मेरे व्हीकल का कोई गलत जानकारी देके, ठीक है ना, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास, या गलत डॉक्यूमेंट पेश करके अगर मैंने मेरे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तो उस केस में रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उस व्हीकल का वापस रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है, ऑफेंस बाय जुवेनाइल्स, ठीक है ना, सेक्शन 199A के अंदर, यानी कि अगर नाबालिग के द्वारा कोई व्हीकल चलाया जाता है, ठीक है ना, और सेक्शन 199A के अंदर कोई अपराध किया जाता है, तो उस केस में भी व्हीकल की आरसी निरस्त हो सकती है। और लास्ट है, सस्पेंशन अंडर सेक्शन 53, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 53 के अंदर व्हीकल की आरसी सस्पेंड कर रखी है, और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अगर उस जो ऑनर्स है, ऑनर्स के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है, तो उस केस में भी व्हीकल की आरसी निरस्त की जा सकती है। तो मोटे रूप से ये जो 6 ऑप्शन बताए, इन 6 ऑप्शन के अंदर व्हीकल की आरसी निरस्त की जा सकती है। यहां पे अपन जो एक नंबर पॉइंट है, यानी कि मेरा व्हीकल अब सड़क पे चलने योग्य नहीं है, पूर्णतः भंगार हो चुका है, तो उस केस में आरसी कैंसिल कैसे की जाए, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे।
हाउ टू अप्लाई फॉर आरसी कैंसिल। अब आरसी कैंसिल के लिए आपको संबंधित जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, संबंधित जो आरटीओ ऑफिस है, डीटीओ ऑफिस है, जो कोई भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, वहां पे आपको कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले एप्लीकेशन, ठीक है ना, यानी कि एक सादे पेपर के ऊपर आपको रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसको एक एप्लीकेशन देनी है कि मेरा व्हीकल है वो खराब हो गया है, सड़क पे चलने योग्य नहीं है अब, और उस व्हीकल की मैं आरसी निरस्त कराना चाहता हूं। जब आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के साथ में आपको एक पुलिस रिपोर्ट लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। पुलिस रिपोर्ट क्या, कि भाई जो मैं व्हीकल की आरसी निरस्त करना चाहता हूं उस व्हीकल के ऊपर कोई भी किसी न्यायालय या कोर्ट के, सॉरी न्यायालय या कोई पुलिस या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अंदर उस व्हीकल की आवश्यकता नहीं है, तो वहां से एक प्रकार से पुलिस से एनओसी लानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपकी व्हीकल की आरसी निरस्त की जा सकती है। फिर है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट टीसीसी या ऑडिट क्लियरेंस रिपोर्ट, यानी कि उस व्हीकल का कोई टैक्स वगैरह तो बाकी नहीं है या कोई भी ऑडिट पेयर्स वगैरह नहीं बने हुए हैं, यानी कि टैक्स और ऑडिट क्लियर होनी चाहिए, उसकी आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर है परमिट सरेंडर इफ एप्लीकेबल, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, ठीक है ना, और उस अगर परमिट उठा रखा है तो वो परमिट को आपको सरेंडर कराना पड़ेगा, जमा कराना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके बिना आरसी कैंसिल नहीं होगी। फिर है एमवीए रिपोर्ट। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि व्हीकल इनकेपेबल इन यूज है, यानी कि व्हीकल काम में नहीं आ सकता है सड़क के ऊपर, तो इसकी रिपोर्ट जो संबंधित टेक्निकल ऑफिसर्स है, ठीक है ना, उस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, जैसे कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर है, ठीक है ना, उस टेक्निकल ऑफिसर्स के द्वारा आपकी एक रिपोर्ट दी जाएगी व्हीकल की, कि वास्तव में ये व्हीकल है, क्योंकि हो सकता है कि आपका व्हीकल सही हो फिर भी आप जबरदस्ती दूसरे कारण से अगर व्हीकल आरसी कैंसिल कराना चाह रहे हो, तो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या फिर एनी कोई टेक्निकल ऑफिसर्स है उसके द्वारा आपका व्हीकल का इंस्पेक्शन करके यह रिपोर्ट दी जाएगी वास्तव में व्हीकल इसका सड़क पे चलने योग्य नहीं है, इसलिए इसकी आरसी कैंसिल की जा सकती है। तो संबंधित एमवीए रिपोर्ट या टेक्निकल ऑफिसर्स की रिपोर्ट हो जाएगी। और चेसिस कट पीस, यानी कि कुछ ऑफिसर्स के द्वारा, कुछ रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के द्वारा आपके जो चेसिस का टुकड़ा होता है व्हीकल का, वह टुकड़े की भी डिमांड की जा सकती है, यानी कि टुकड़ा आपको काट के देना है, जिससे कि आपके व्हीकल का मिसयूज नहीं होगा। इसे यह सब चीज देने के बाद, आफ्टर कैंसिल ऑफ आरसी इन वन पोर्टल यू मे गेट कैंसिलेशन सर्टिफिकेट, यानी कि यह सब चीजें आप जमा करा देंगे और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी संतुष्ट हो जाएगा कि नहीं वास्तव में इनका जो व्हीकल है वो सड़क पे चलने योग्य नहीं है, तो उसके बाद आपकी व्हीकल की आरसी कैंसिल कर दी जाती है। आरसी कैंसिल जो वन पोर्टल है, वन पोर्टल के ऊपर होती है, उसके बाद आपको एक कैंसिलेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट हमेशा आप अपने पास सुरक्षित संभाल कर रखें, और उसके बाद आप उस व्हीकल को कभी भी किसी भी जो स्क्रैप डीलर है, जिसे कबाड़ी कहते हैं, कबाड़ी को बेच सकते हैं। तो साथियों, ये थी आरसी कैंसिल के बारे में, यानी कि आरसी के निरस्तीकरण के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।